तो जी हाँ गाइस, जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि हम जा रहे हैं चंडीगढ़, तो हमारे चाचा जी के घर हैं दोस्तों एक सुहाग पूजन, जो रीति रिवाज होते हैं शादी के बाद का, जो जो सब ब्याह जोड़े होते हैं, जो लेडीज़ होती है उनको सुहाग का सामान दिया जाता है और खाना खिलाया जाता है। जैसे कि आप लोगों में हिंदू रिवाज में जैसे पता नहीं होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि सुहाग पूजन का रीति रिवाज चल रहा है अभी कि नहीं। जैसे रीति रिवाज चल रहे उसके अकॉर्डिंग हम सब वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चंडीगढ़ में और गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, तो गाड़ी चल रही है सो उनके घर जाते हैं। तो आगे का आपको व्लॉग दिखाते हैं उधर कि क्या क्या होता है क्या नहीं, जैसे कि मुझे भी इतना मालूम नहीं है, वो भी उधर जाकर ही पता चलेगा कि क्या करते हैं। पर इतना मुझे मालूम है कि जो हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके नाम का जो कह सकते हैं ना रोटी दी जाती है, तो वो अग्यारी दी जाती है, तो सब कुछ बाकी सुहाग का जो सामान होता है, जो चूड़ी कंगन जो लिपस्टिक इतना का मेरे को मालूम है वो सब दिया जाता है। तो गाइस बस हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं उधर घर जाके देखते हैं। अभी 2 महीने पहले हम उधर गए थे। अरे वो तो दोस्तों 2 महीने पहले हम इधर चंडीगढ़ गए थे, तो जब हमने शिमला का व्लॉग दिखाया था, सो अब हम पहुंचने वाले हैं बस, और गाइस बस आने ही वाला है अब नियर बस स्टैंड। बस स्टैंड के सामने ही है दोस्तों घर, तो बस स्टैंड आ चुका है, तो हम इधर उतर चुके हैं और इधर से हम जाएंगे अपने चाचा जी के घर और उधर की आपको दिखाते हैं जर्नी। सो क्या क्या होता है, और आप प्लीज़ कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना कमेंट करना। सो क्या आपके वहाँ ये सब कुछ होता है तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए चलते हैं और आपको सीधे घर पर मिलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों तैयारी हो चुकी है, तो यानी कि जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनको उनके नाम की रोटी और अग्यारी दी जाती है, और उसके बाद जो सुहागनों का जो सामान है उन सब औरतों में बांटा जाता है। तो आपको देख ही रहे होगे कि अभी तैयारी चल रही है, सो फिर उनके नाम की रोटी दी जाती है और सब में बताई जाती है और खाई जाती है। और दोस्तों आगे आपको जो भी पर्सन इधर आए हुए हैं आपको सबसे मिलाते हैं, और आप बताना कि आपके भी ऐसे घर में जैसे जो रीति रिवाज है फैमिली के उसके अकॉर्डिंग सब होता है कि नहीं होता है, तो प्लीज़ कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना। तो आपको चलो थोड़ा कैमरा मूव करके और आगे भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, ये तो इधर देखिए ये सिस्टर है, और ये देखिए बाला बाला बाला। सो ये हमारे चाचा जी हैं, और ये भी चाचा जी हैं हमारे, ये जलंधर से हैं, और ये भाई हैं ये चंडीगढ़ से हैं, और इधर देखिए ये हमारी मौसी जी हैं और भाभी है, ये हमारे कैप्टन के भंगड़े के कैप्टन चंडीगढ़ से हैं, वैसे पीजीआई से है, मजाक कर रहा था, और वो मैं ब्रदर है। सो गाइज अब 11 आ चुकी है और
मेरे को बताओ ना शूट करना है। कर अच्छी तरह बाल अगे लाके जेडी वो पीछे है वो कर रही है वो बाहर है मम्मी बाहर है तो लगे हां बना ली और आनी चाहिए यूट्यूब पे पहले इसकी हिस्ट्री भी पता नहीं चाहिए ना क्या है थंबनेल बनाने के लिए भी कुछ चाहिए ना वो मोबाइल मान से बोल रहे थे थंबनेल भी बनाना पड़ना ना अच्छा तो जी हाँ दोस्तों ये है मेरी अमृतसर वाली बुआ जो मेरे साथ बहुत लड़ती रहती हैं और प्यार भी बहुत करती रहती हैं तो ये उनका पोता बहुत शरारती है बस और कुछ हैगा बाकी और कुछ कार्तिक आर्यन भी बता रहे हैं जब पूरी है तो दोस्तों खाना खुना खा लिया है और ताम शाम चल रहा है और आपको हमारा ये छोटा सा मिनी व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।